शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग जारी है और दोनों ही दल नगर निगम में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर नगर निगम शिमला में दो तिहाई से कांग्रेस की जीत का दावा किया है और कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा शासित नगर निगम कोई विकास नहीं हुआ और शिमला कंक्रीट का जंगल बन गया। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला के पुराने वैभव और सौंदर्य को लौटाने के लिए काम करेगी। शिमला में पानी, पार्किंग, ट्रांसपोर्टेशन की दशा को ठीक करने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा नगर निगम शिमला के चुनाव को मोदी के चेहरे के दम पर जीतने का सोच रही है। शहर में मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ट्रिपल इंजन की बात करने वाली भाजपा सरकार में शिमला के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि शुक्ला साहब ने बताया और ये आज हमारी आने वाले समय में क्या रणनीति होगी उस संदर्भ में भी हमारे एएससी के चार राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में आए हैं, उस पर चर्चा की और खुद ये बहुत विषय में हुए कि कितने पहाड़ी स्तंभों का इन्होंने दौरा किया है। खुद ये बात है कि शिमला सबसे सुंदर होने के बाद ये कंक्रीट का जंगल बनाकर रखती है और मुझे इन्होंने अभी ही दिशा निर्देश दिया है कि इस बारे में भी आपको विस्तृत सोचना है। शिमला में पानी की समस्या के बारे में सोचना है, शिमला में रोड्स का जो कंजेशन है उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये विस्तृत चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में ये बातें लाइए जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मोदी जी के पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारपोरेशन का चुनाव मोदी जी के पोस्टर के आधार पर लड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में इनकी कारपोरेशन रही, सरकार रही, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला शहर की हमने घोषणा पत्र जारी किया है, शिमला में सर्कुलर रोड होना अच्छा जरूरी है, शिमला में पानी की स्वच्छ पेयजल होना जरूरी है, शिमला में पार्किंग की सुविधा होना जरूरी है। अभी इस बारे में विस्तृत एक प्रेजेंटेशन हमें शुक्ला साहब जी ने दी कि इस बारे में हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरा ये मानना है कि हम सब चीजों को ध्यान में रखकर शिमला जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था अपना गौरव खो चुका है, उस दृष्टि से भी हम आगे हमारी सरकार पौने 5 साल है उसमें अपना कार्य करेगी और हम सब लोग हमारे मंत्रिमंडल के सहयोग की इस दृष्टिकोण से अभी हम शिमला के बारे में सभी चिंतित है और हमारा मानना है कि अगर कारपोरेशन में हमारी हिमाचल शिमला नगर निगम की जनता अगर हमें जो कि लगता है कि हमें नगर निगम में सरकार बनाने का मौका देगी तो उससे हमें मदद मिलेगी, क्योंकि जो प्रस्ताव नगर निगम से हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट ने इसमें बजट एलोकेशन करना होता है। तो उस दृष्टिकोण से हम शिमला में अभी डक्ट के रूप में जो डक्ट है जो तारों का चार बिछा है अभी 25 करोड़ रुपया अभी हमने सेंक्शन किया है और भी हम उसमें शिमला को जो बिजली की तारों के जाल से हम छुटकारा दिलाएंगे, ये आश्वासन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने एएससी चार्ज जी के माध्यम से भी जनता को देना चाहते हैं। हमने कल भी कहा था कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1546 करोड़ रुपए का रोपवे लगाने जा रहे हैं और शाम को अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा कि ये हमारा संकल्प था। संकल्प आपका रहा होगा लेकिन आपने कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए विश्व बैंक से बातचीत की, उनके डायरेक्टर जनरल को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मेरे साथ बात हुई और उसके बाद हमने यहां 15 स्टेशंस वाला जो है रोपवे प्रस्तावित किया है और ये रोपवे जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहां पे शिमला वासियों को देगा। दूसरा, हम शिमला नगर में अगले साल मिड तक ये जो शिमला शहर है इसकी बसेस को पूरी तरह
इलेक्ट्रिक बसेस में बदल रहे हैं। अभी हम 20 बसेस तो 6 मई के बाद जो है हमारे पास पहुंच गई हैं, हम उन बसेस को देने जा रहे हैं। लेकिन ये डिपो पूरी तरह जो शिमला शहर के अंदर वर्क करेगा उसकी सारी बसेस इलेक्ट्रिक जो है अगले साल तक हमारा काम वो पूरा हो जाएगा। थर्डली हम शिमला में एश्योर्ड पानी की बात कर रहे हैं, 2025 तक आपको अश्योर्ड पानी मिलेगा, नलके का पानी जो है बिस्लरी से या दूसरी किसी भी चीजों से ज्यादा बेहतर होगा, उसके लिए काम चल रहा है। 2025 मई तक ये काम हम कंप्लीट कर देंगे। तो पानी परिवहन और जो मसले हैं उनको सड़क से जुड़े जो भी मसले हैं हम हल करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहर के लिए अपने समय में कुछ नहीं किया, हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारी है, शिमला नगर निगम दावे से हमारा होगा, दिन 4-5 रह गए हैं उसके बाद पता लग जाएगा। और प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हमने निर्णायक काम किया है, 1,36,000 कर्मचारियों को अगर ओपीएस की सुविधा दी है तो ये कांग्रेस की सरकार ने दी। शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं, लगता ही नहीं कि ये शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, कहते जी एक बार शिमला आना है। लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए हैं, उसमें भी मोदी जी सिनेमा कारपोरेशन में क्या करेंगे, पार्किंग बनवाएंगे या ट्रैफिक हटाने आएंगे? हर जगह मोदी जी, वार्ड के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा कि आप यहाँ की राज्य में भी थे, केंद्र में भी थे, केंद्र में मोदी जी, राज्य में भी भाजपा और शिमला कारपोरेशन में भी उनका मेयर, तब तो कुछ किया नहीं, अब क्या तुम कुछ कर लोगे? और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आया उसका कितना भ्रष्टाचार है, शायद सरकार उसमें सोच रही आगे कि क्या वो उस भ्रष्टाचार की जांच भी कराई जाए क्या वहां पे। इसके अलावा जो स्थिति है वो ये है कि शिमला को जो इन्होंने एक ऐसा शहर बना दिया है जो लगता नहीं है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह शिमला है। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह बनाएंगे, जहां विदेशी भी आके सोचे कि हमने क्या जगह देखी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हिल स्टेशन का बाहर आप देखते बनते हैं, किस तरह की वहां की सड़कें होती, किस तरह की वहां व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सारी चीजें जबरदस्त होती है अगर किसी विदेशी हिल स्टेशन पर जाए। हम शिमला को एक विदेशी हिल स्टेशन की तरह बनाएंगे कि जो लगेगा यहाँ के कि हाँ शिमला शिमला है। और जो है उसके लिए जो भी है मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारी सरकार के मंत्री यहाँ पे बैठे हैं, हर्षवर्धन चौहान जी है, विक्रमादित्य जी है, ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सरकार में बैठ के शिमला को हम एक नए, इसका पूरा फेस लिफ्ट, एक नया स्वरूप देंगे, नया चेहरा देंगे अगर हमारी कारपोरेशन यहाँ पर बनेगी। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह की रिपोर्ट, जिस तरह खबरें आ रही हैं कि हम 2/3 बहुमत से शिमला में कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। उस कारपोरेशन को बनने के बाद शिमला की दशा, दिशा और तस्वीर पूरी तरह से हम लोग बदल देंगे। ये जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये कौन व्यक्ति शिमला, चाहे अमेरिका जाओ तो लोग शिमला जानते, इंग्लैंड जाओ तो शिमला जानते, शिमला को शिमला का की जो वो है इसकी गरिमा वो वापस करना हम लोगों का काम है, वो हम काम करेंगे। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।